जीएसटी आया, नोटबंदी हुआ, इसका बाजार पर कितना असर है और बजट से क्या उम्मीद है? बजट से लोगों को उम्मीद पहले थी कि भाई कुछ लुभावना बनेगा, क्योंकि गुजरात के जो वोटिंग हुए उसमें थोड़ी हार सी लगी और थोड़ी भाई संभावना ये हुई लोगों को कि अब मोदी जी की आँख खुलेगी, भाई कुछ छूट देंगे। ठीक है, इफेक्ट पड़ा था वो बजट से, उसका असर कम हो जाए। जीएसटी तो चलो लगना था, लागू होना था, जीएसटी के लिए तो नहीं, लेकिन नोटबंदी बहुत गलत हुई थी। नोटबंदी की आवश्यकता नहीं थी अपने देश को, या फिर एक समय लेना था नोटबंदी के हिसाब से। बस बजट से उम्मीद है कि नोटबंदी का असर खत्म हो जाए तो बाजार से मंदी चली जाए, तो लोगों को पास जो एक्स्ट्रा था नोट थे सिर्फ दूसरे वैसा ही हो जाते थे। लेकिन अब सब कुछ पूरा काम ही मंदा हो गया हर चीज़ का, इस वजह से कितना 35% ही बाजार चल पाया साल भर में, तो बस इससे ज़्यादा काम नहीं हो पाया। जीएसटी से मार्केट अभी बहुत ज़्यादा डाउन है और मार्केट में जैसे गिराकी बिल्कुल भी नहीं है। किसानी काम में बहुत फर्क पड़ा है हमारी तो, राइन एग्रीकल्चर लाइन में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि जो 5% के स्लैब के थे उनको सीधे 28% कर दिया, फिर घटा के अब 18% करा है। तो उस सब चीज़ों में क्या अभी समझने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इस चीज़ के कारण मार्केट भी डाउन है और गिराकी किसानों को ज़्यादा सुविधाएँ देना चाहिए सरकार को, उससे थोड़ा मार्केट हमारा सुधर सकता है किसानी लाइन का। और क्या क्या होना चाहिए बजट से, क्या उम्मीद है? क्या उम्मीदें? बस यही है कि थोड़ा जीएसटी में हमको राहत मिले, तो जीएसटी कम होए तो हम लोगों का भी थोड़ा बिजनेस अच्छा चले। छोटे पैमाने के जो बिजनेस करने वाले हैं उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ा है। नए बजट में हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा आने वाला है बजट, और इस हिसाब से अभी मार्केट वैसे स्लो है जीएसटी के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज और जो है वो बहुत हार्ड लग रही है हम लोगों को प्रोवाइड करने में। फिर क्या है कि स्टार्टिंग में इन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन जो स्पिक कर दिए वो थोड़े से हमें उम्मीद है कि वो पोलाइट कर देगी गवर्नमेंट, वो हम एक रिक्वेस्ट भी है और एक उम्मीद भी है कि वो थोड़ा ईजी कर दे उसको मोड को, जो हमें बहुत अभी हार्ड लग रहा है स्टार्टिंग में। नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी से तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है भाई मार्केट को, हम नहीं मानते कि नोटबंदी का, क्योंकि वो जो रोटेशन था वो आदमी उसके नोट का सेटलमेंट में लगा हुआ, वैसे दो नंबर का इतना है नहीं मार्केट में पैसा, टोटल एक नंबर में हो रहा है मार्केट में काम। ये बदलाव आ गया? बदलाव ये आ गया है बस, तो सीधा सा जो है गणित अभी जो फॉर्मेलिटीज है जीएसटी रिलेटेड, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड है, जितने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना पड़ता है उसमें हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो गया हम लोगों का। ये इस सरकार का आखिरी बजट है इसलिए कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा ऐसा लगता है, सरल ही रहेगा, पहले से कुछ सुविधाएं दे सकते हैं बजट में, इनकम टैक्स वगैरह में कुछ उसका बढ़ा सकते हैं। जीएसटी और जो नोटबंदी हुआ है उसका कितना असर बाजार पर है और क्या परिवर्तन देख रहे हैं? शुरू के दिनों में इसका असर काफ़ी रहा नोटबंदी का, लेकिन धीरे धीरे अब नोटबंदी का तो कोई असर बाकी नहीं रहा है, जीएसटी का है। तो पहले हमारे व्यापार में तो 5% वेट लगता था, अब जीएसटी लगता है, सब थोड़ी कागजी कार्रवाई ज़्यादा है बस, और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। किसान को पैसा पहले नगद मिलता था तो वो व्यापार का घर के लिए सामान खरीदना या कुछ भी खरीदना तो वो बाज़ार में आता था, इस वक्त वो पैसा जो है बाज़ार में नहीं पहुंच पा रहा है, उसका असर है। जैसे 10,000 रुपये किसान को मंडी में नगद मिलते हैं, वैसे पूरी फसल की कीमत बाज़ार में मिलती थी नगद, तो व्यापार में वो बाहर खरीदने के लिए आता था और बाज़ार में रौनक थोड़ी बनी रहती थी, वो थोड़ी रौनक कम हुई है।